शब्दों में सीट कमाए। भगवान बुद्ध ने पहला शब्द क्या बोला है? वह धर्म समझने के लिए तीन बातें बताई, तो पहला शब्द क्या है? बुद्ध ने कहा, जो कुछ मैं बतलाता हूं उसे ध्यान से सुनना है, उसे ध्यान से सुनना है, बिना कसौटी के भाइयों घेड़ नहीं तुम करना है। भगवान बुद्ध ने कहा, जो कुछ मैं बतलाता हूं ध्यान से सुनना है और बिना कसौटी के ग्रहण नहीं करना है। देखिए, आपने नाम सुना है प्रज्ञा। अच्छा ये बताओ, इस भीड़ में किसने किसने नाम सुना है? प्रज्ञा साहब ने सुना है। एक प्रश्न करता हूं आपसे, कहीं कहीं लिखा देगा आपने, कहीं लिखा है प्रज्ञा शील समाधि और कहीं लिखते हैं शील समाधि प्रज्ञा। ये बात सीखना बहुत जरूरी, मेला में आओ आए हो। हमें क्या लिखना चाहिए, प्रज्ञाशील समाधि या शील समाधि प्रज्ञा? बोलो, शील समाधि प्रज्ञा। प्रज्ञा के तीन रूप होते हैं। पहला रूप है सुत प्रज्ञा। जैसे हम लोग यहां आए, गौर से सुनना, अगर किसी की बात को ध्यान से सुनेंगे नहीं, सुनना और पढ़ना एक ही बात है, किसी पुस्तक को ध्यान से पढ़ना या किसी की बात को ध्यान से सुनना, फिर क्या होता है? सुत प्रज्ञा। उसके बाद ध्यान से सुनिए पढ़िए। नंबर दो, चिंतनमय प्रज्ञा, फिर उस पर चिंतन करिए। जब मनुष्य चिंतन करता है तब पहुंचता है सच्चाई की तरफ, भावनामय प्रज्ञा में। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा? नंबर दो, पहला शब्द कहा कि किसी बात को बुद्ध ने कहा है जो हम बतला रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, दूसरा बिना प्रमाण के कोई बात तुम्हें मानना ना चाहिए, तुम्हें मानना ना चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं अब विवेक लगाना तुम्हें चाहिए। क्या कहा? कोई भी कहता रहे लेकिन किसी बात को बिना प्रमाण के नहीं मानना चाहिए। और तीसरा शब्द भगवान बुद्ध क्या बोले? किसी बात को तब मानो तर्कों पर खरी उतर जाए, अब बुद्धि विवेक विचार करके जब खरी कसौटी लग जाए। बुद्धि विवेक विचार करके जब खरी कसौटी लग जाए। तीन शब्द भगवान बुद्ध ने बोले हैं कि किसी बात को तब मानो तर्कों पर खरी उतर जाए और बुद्धि विवेक जाकर के जब खरी कसौटी लग जाए। देखिए, आज हम भगवान बुद्ध की वंदना करते हैं अपने घरों में, क्योंकि गाना बजाना बहुत सुनेंगे लेकिन महत्वपूर्ण बात अभी सुनना बहुत जरूरी है। बुद्ध की पूजा श्याम सुंदर बहुत कहता नहीं है, मेरे घर आके देखो वैसे भी, और संख्या पर शादी कोई महीना बचता हो कि एक दो चक्कर हमारे होते नहीं। यहाँ विश्व संघ पूछिए, एक दो चक्कर हर महीने होते हैं कम से कम, क्योंकि हमें संख्या से बहुत लगाव है। इसलिए लगाव है कि ये बौद्ध तीर्थ भी है और जीवन में आज तो कोई बात नहीं, हमारे बहुत से भाई बहन हैं, हमें बड़ा खुशी होती है। एक जमाना वो था, इस मंच पर हम दिखाते थे हमारे भाई भागीरथ जी, भागीरथ वादी जी, दो ही लोग थे यहाँ, लेकिन आज बहुत सारे भाई बहन हैं, मिशन बढ़ रहा है, लेकिन धम्म का अध्ययन करना भी बहुत जरूरी है। और जीवन में जब तक हम उतारेंगे नहीं तब तक हमें लाभ होने वाला नहीं है। एक बात सुनिए, भगवान बुद्ध कहते हैं, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमारे बहुत से भाई बहन हैं और गाना बजाना बहुत कम करते हैं। अरे भाई,
ये हमारे सुशील साहब के जी ग्राम अटिया से इन्होंने दमदान दिया, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान बुद्ध ने कहा पै जब विषम बेकार से होई विदू से चेत विकार से होए विदूषित चित्त और दुलेन मल के मैल वो नीर नहीं। संसार में देखिए हर आदमी अपने को कहता है, दुनिया में हर आदमी कहता है अरे साहब के इस संसार में वो खराब या वो खराब, लेकिन बुद्ध कहते हैं मनुष्य को अपने अंदर देखना चाहिए, चाहे हम हो या आप हो। बुद्ध ने कहा कि पै जब विषम विकार से हो विदूषित चित्त और धुलेन मल के मैल वो नीर नाहे नित। भगवान बुद्ध ने क्या कहा, कट सकते संचित पाप नहीं कल्पित काव्य कहानी से, धुल सकते मल के मैल नहीं अब इस पृथ्वी के पानी से। भगवान बुद्ध कहते हैं कट सकते संचित पाप नहीं कल्पित काव्य कहानी से और धुल सकते मन के मैल नहीं इस पृथ्वी के पानी से। शरीर का मैल तो ऊपर का धुल सकता है, लेकिन मन का मैल, मन की जंग इस पानी से नहीं धुलेगी। बुद्ध ने कहा गोबर गर्दन धूर शरीरा, गोबर गंदगी शरीर पर मिट्टी लगी है वो पानी में धुल जाएगी। गोबर ये गर्दन धूर शरीरा जो लग जाए खुले बहनीरा, मानो सच तथागत वाणी धुले मनोगत दूषण पानी। भगवान बुद्ध ने कहा शरीर के मैल तो धुल जाएंगे पानी में, लेकिन मन का मैल धुलने के लिए बुद्ध ने कहा हे मानव मन वाणी और कर्म से, जैसा भी समय वैसा बता रहा हूं, मन वाणी और कर्म से जो शील सरोवर नहाता है, हे सिंगाल सुनिए मेरी, भगवान ने उपदेश किया निष्पाप सदा वो रहता। मन से वाणी से हर मनुष्य को मन से वाणी से कर्म से जो मनुष्य पानी बरस रहे हो पानी